इन्हें कबाड़ समझकर फेंकने से पहले ये वीडियो देख लें, इन्हें फेंकना भूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से। क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्रेलिक की खाली शीशी या इस तरह की कोई भी खाली शीशी को हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। समय आ गया है कि इन्हें संभाल कर रखें। मैंने 12 शीशी ली है, सभी के ढक्कन को टाइट कर ले। 3 का सेट है, हर सेट में 4 शीशी की जरूरत पड़ेगी। सबसे ऊपर वाले शीशी का ढक्कन खोलकर हटा दें। आपको लगता है तो इसकी सफाई भी कर सकते हैं। ये एमसील है जो स्टेशनरी या फिर हार्डवेयर की दुकान पे सबसे छोटा पैक 10 रुपये का मिल जाता है। इसमें से 2 पाउच निकलते हैं, दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाता है। जोड़ने का सबसे सस्ता और आसान तरीका, सबसे नीचे वाले शीशी के कैप पे एमसील का डॉट लगाएं, ऊपर से दूसरी शीशी चिपका दें। इसी तरीके से तीसरी और फिर खुली हुई शीशी को भी चिपका दें। बैलेंस ना बने तो नीचे रखकर चिपकाएं। आपके पास अगर ग्लू गन हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों सेट को इस तरीके से चिपकाकर कम से कम 1 घंटे के लिए ड्राई होने दें। ये चिपक कर सेट हो गया है तो अब हम आगे का काम कर सकते हैं। कोई भी पुराने अखबार का एक पेज ले, उसे फोल्ड करें। इसकी हाइट 2 शीशी के बराबर रखें। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तब भी चलेगा। फोल्डेड पेपर को शीशी के चारों तरफ लपेटे, थोड़ा टाइट लपेटे ताकि पेपर कहीं से पलपी ना रहे। अंतिम सिरे को सेलो टेप से चिपकाकर फिक्स करें। ये काम तीनों सेट पे करें। ये वॉल पुट्टी है जो हर शहर में जहाँ हार्डवेयर की दुकानें होती हैं वही आसानी से मिल जाती हैं। पैक के पीछे देखेंगे तो पाएंगे ये काफ़ी हद तक सेफ है, जो अन्य ब्रांड में नहीं मिलता। वॉल पुट्टी में केवल पानी मिलाकर बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट डो तैयार कर सकते हैं। डो बनाने का लिंक और उनसे जुड़ी सारी सावधानियां डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ये डो 4 घंटे ही चल पाते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से बनाएं और काम करते वक्त इसे गीले कपड़े से ढक कर रखें। अलग से छोटे बाउल में थोड़ा फेविकोल पुट्टी और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। चिपकाने का सारा काम हम इसी से करेंगे। वॉल पुट्टी डो से शीट बनाएं, ना मोटा ना पतला। ये छोटा बेलन नहीं है तो घर का पुराना बेलन इस्तेमाल करें। शीट बनाते समय बेलन और आपके हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। ये शीट थोड़े से प्रैक्टिस में बनने लग जाते हैं। प्रॉपर तरीके से डो बना है तो ये शीट्स आसानी से बन जाते हैं और कभी क्रैक्स भी नहीं आते। अखबार वाले पोर्शन के ऊपर या फिर नीचे की साइड वॉल पुट्टी पेस्ट का डॉट डॉट लगाएं। शीट को सावधानी से चारों तरफ चिपका लें। पेस्ट को डॉट डॉट लगाने से अखबार के मुड़ने या फिर सिकुड़ने के कम चांसेस होते हैं और शेप बनी रहती है। बस इन्हीं सावधानियों का ध्यान रखें। अगर यही कोई बॉटल या फिर प्लास्टिक शीट होता तो कैसे भी चिपका लें। सभी सेट्स पे इन शीट्स को केवल एक तरफ यानी ऊपर या नीचे चिपकाकर इन्हें अच्छी तरह ड्राई होने दें। ध्यान रखें, वॉल पुट्टी क्राफ्ट में हमेशा लेयर वाइज काम किया जाता है। जैसे ही हमारा क्राफ्ट ड्राई होता है तो ठीक वही तरीका अपनाकर बाकी बचे पोर्शन को भी कंप्लीट करें। ये ड्राई कितनी देर में होता है ये इसके थिकनेस पे यानी मोटाई पे निर्भर करता है। धूप में ये क्राफ्ट जल्द सूखते हैं और छाया में थोड़ा टाइम लगता है। ये डो या शीट नकली वॉल पुट्टी, खुला ब्रांड, वाइट सीमेंट, ग्राउट, POP, चाक मिट्टी इत्यादि से नहीं बन पाते। ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी लोग जाने अनजाने में गलत प्रोडक्ट लाकर अपना पैसा और समय दोनों का नुकसान करते हैं। एक बार जब क्राफ्ट अच्छे से ड्राई हो जाए तो 100 से लेकर 320 नंबर के रेगमाल यानी सैंड पेपर से इसकी घिसाई करें। इनसे निकले डस्ट को कभी भी घर के सिंक या फिर नाले में ना डालें। इन्हें समेट कर डस्टबिन में डाल दें और कचरे वाले को दे दें। घिसाई करने के बाद जो भी अनइवन एरिया नज़र आता है उसे डो से फिल करें यानी समतल करें। इसके साथ ही बोतल के टॉप पे थोड़ा मोटा कॉइल बनाकर प्रॉपर बोतल की शेप दे, या फिर कोई और पैटर्न आपको बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। आपके पास अगर इस तरह के शेप वाला बॉटल है तो उस पर भी आराम से ये काम कर सकते हैं। आप अगर क्राफ्टर हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, तो आपको कम से कम 2 ऑप्शन रखना चाहिए।
ताकि एक उपलब्ध ना हो तो दूसरे पे आसानी से काम कर सके। अब बारी आती है टेक्सचर देने की। ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है। टेक्सचर अच्छा लगता है तो दे सकते हैं, प्लेन भी चलेगा। मैंने पुराने ब्रश से टेक्सचर दिया है, आप चाहे तो टूथब्रश या फिर कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सचर देने का काम वॉल पुट्टी के पेस्ट से करें। एक बार जब टेक्सचर ड्राई हो जाए तो ह्यूमन बॉडी पे काम करते हैं। दिखाए गए विजुअल के हिसाब से शेप बनाकर बॉटल के गर्दन और ढलान पे चिपका लें। बैलेंस ना बने तो बॉटल को लिटाकर तीनों सेट पे ये बनाकर अच्छी तरह ड्राई कर लें। इसके साथ ही छोटा तार या लकड़ी ऊपर की तरफ से इंसर्ट कर दें। तीन छोटे छोटे गोले बनाकर यानी हेड बनाकर ड्राई होने दें। थोड़े मोटे कॉइल बनाकर बॉडी के नीचे चिपकाकर प्रॉपर लेग्स बनाए। पोजीशन कैसा भी रख सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ये ह्यूमन फिगर बस सिंबॉलिक होते हैं। यही अगर रियलिस्टिक होता तो प्रॉपर एनाटॉमी का ध्यान रखना होता है। मेरे वीडियो के हर क्राफ्ट में सभी बारीकियों को बताया जाता है ताकि आप आसानी से क्राफ्ट बना सके। क्राफ्ट देखते हैं, पसंद भी आता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, फिर वही वीडियो ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। इन परेशानियों से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर काम का क्राफ्ट आप समय पे देख पाएं और सीखकर बना पाएं। हेड की डिटेलिंग कंप्लीट करें। जानबूझकर एलिमेंट्स बहुत ही सिंपल रखा है ताकि आप आसानी से बना सकें। बस इतना ध्यान रखें, जिस लेयर या फिर ऑब्जेक्ट पे काम करना है वह ड्राई होना चाहिए। शेप करते वक्त आपके हाथ ड्राई होने चाहिए। एक बार जब शेप आ जाए तो आप पानी से स्मूथ करें। हेड के नीचे गर्दन बनाकर बॉडी के ऊपर लगे तार में इंसर्ट करें। ध्यान रखें, चिपकाने का सारा काम हम उसी वॉल पुट्टी पेस्ट से करेंगे जो आपने बनाया है। इसे कम से कम 2 घंटे तक ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद क्राफ्ट को फिर से चेक करें, कहीं ऊपर नीचे हो तो उसे क्ले से समतल करें। अब आप क्राफ्ट को मनपसंद कपड़े पहना सकते हैं। कपड़े का पैटर्न कैसा रखना है ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है। अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्राफ्ट में जितनी भी डिटेलिंग हुई है ये सभी घर में उपलब्ध पुराने सामान जैसे पुराना नेल कटर, पुराना चाकू, ब्रश, पेन का ढक्कन, इन्हीं चीज़ों की सहायता से क्राफ्ट बना सकते हैं। पर आपके पास अगर क्ले टूल है तो उसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। ये क्राफ्ट वाटरप्रूफ बनाना है तो मोल्डेड क्ले का यूज़ करें, पर इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। चॉइस आपकी है। क्राफ्ट फिनिश हो गया है तो अब आप कलर की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने ह्यूमन फिगर में ब्लैक एक्रेलिक कलर से कलर किया है। आप चाहे तो कोई अन्य शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कलर करने से गोल्ड की डिटेलिंग अच्छी निकलती है। स्पॉन्ज पे गोल्ड एक्रेलिक कलर लगाकर डिटेलिंग निकालें। मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। आप चाहे तो पोस्टर कलर या फिर ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। रंगों का चुनाव अपनी पसंद का रख सकते हैं। यहाँ प्रयोग किए गए सभी कलर्स के नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में और भी ढेर सारी जानकारियाँ दी गई है, उन्हें भी आपको देखना चाहिए। एक्रेलिक कलर का 2 कोट करें। एक कोट को ड्राई होने दें, फिर दोबारा कोट करें। अपने आप शाइनिंग आ जाती है और वार्निश की जरूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत हो तो कट मिरर चिपकाकर क्राफ्ट की सुंदरता को और अधिक बढ़ाएं। खाली शीशी से बना बेहतरीन कलाकृति बिल्कुल तैयार है। होम डिकोर की तरह इस्तेमाल करें, नेचुरल प्लांट लगाएं या फिर आर्टिफिशियल, एकदम अलग और यूनिक दिखेगा। इस तरह के और भी यूनिक और आपके बजट वाले क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, क्राफ्ट करते रहें। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।